गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग टेंस समाप्त कर लिए हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आपको वाइस पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने बोला था वाइस से पहले आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो मैं देख रहा था तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है उसको और इम्परेटिव सेंटेंस का जो पैसिव का रूल है उसको हम एक साथ कवर करेंगे। ठीक, तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आज मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। आज से ही आपका नया टॉपिक क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव वाइस से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो आपको अगर ट्रांसलेशन अच्छे से कंप्लीट है तभी आपको क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव वाइस। ठीक, एक्टिव एंड पैसिव वाइस ये आपको पढ़ना है। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वाइस क्या है और पैसिव वाइस क्या है। ठीक, एक्टिव वाइस क्या है, पैसिव वाइस क्या है, इसके बारे में आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, और एक चीज बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अगर उनको एक सेंटेंस दे दिया जाता है कि बताइए ये कौन सा, अगर पूछ लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि बताइए सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव में है पैसिव में है, तो मैं आपको बता दूं पैसिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। पैसिव की कोई भी सेंटेंस लिखा हो आप आंख बंद करके बता सकते हैं, केवल कोई पढ़ दे तो आप बता सकते हैं कि यह सेंटेंस पैसिव रूल में है, पैसिव में है या एक्टिव में है। केवल और केवल एक तरीका है उसको पहचानने का, जितनी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जब मैं बोल रहा हूं तो आपको दिमाग में आना चाहिए, मतलब इज एम आर, वाज वेयर, ठीक, और वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, तो मतलब हैज बीन, हैव बीन भी, हैड बीन, विल बी, शैल बी और विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनके साथ आपने देखा होगा कि आईएनजी का प्रयोग होता था, वर्ब की चौथी अवस्था जिसको आप लोग बोल सकते हैं, मतलब आईएनजी का यूज होता था। लेकिन लेकिन यहां पर क्या है, इनके साथ आपको अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी अवस्था दिख जाए तो आप सीधे सीधे आंख बंद कर कह सकते हैं कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे यहां पर एक्टिव वाइस क्या होता है। इसको बोला जाता है क्या, कर्तृवाच्य, क्या बोला जाता है, कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि ऐसे सेंटेंस क्या हो जाए कि जिसमें क्रिया पर क्या हो, कर्ता का प्रभाव हो, मतलब क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो, कर्ता के द्वारा संपादित हो, कर्ता के द्वारा संपन्न हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा जाए, ही इट्स बनाना, हीट्स बनाना इन द मार्केट। अब देखिए, वह बाजार में केला खाता है, यही तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो क्या है, ही ईट्स बनाना इन द मार्केट, मतलब वह क्या करता है, बाजार में केला खाता है। तो सीधे सीधे आप देखिए, कार्य किसके द्वारा हो रहा है, क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है, ठीक, किसके द्वारा, कौन का प्रश्न लगा लीजिए, कौन खाता है, वह सीधे सीधे क्रिया को ही क्या कर रहा है, कर्ता क्रिया को प्रभावित कर रहा है, कहने का मतलब क्रिया पर कर्ता का प्रभाव है। ठीक, तो यहां पर क्या है, कर्तृवाच्य, सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि आपने अभी तक टेंस में जितना भी पढ़ा वो सब कर्तृवाच्य आपने पढ़ा,
ठीक, ये दिमाग में रहना चाहिए। दुनिया भर की कहानी यहां बताने से अच्छा है कि आप ये जानिए कि आपने अभी तक टेंस में जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं, जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं वहां पर क्या है, वो सब पूरे के पूरे एक्टिव के रूल ही हैं, पूरे एक्टिव सेंटेंस ही मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि वहां पर पूरे के पूरे सेंटेंस क्या हो रहे थे, क्रिया के सॉरी कर्ता के द्वारा ही संपादित हो रहे थे। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दूसरी चीज आती है पैसिव वॉइस की बात कर लें, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या है, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रभाव क्रिया पर हो, ऑब्जेक्ट का प्रभाव क्रिया पर हो तो वहां पर क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। कैसे, जैसे यहां पर हो जाए बनाना इज ईटन इन द मार्केट बाय हिम, क्या है, बनाना इज ईटन इन द मार्केट बाय हिम। अब देख रहे हैं, अब जब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, केला, केला क्या किया जाता है, केला खाया जाता है। ठीक, कौन खाया जाता है बताइए, कौन खाया जाता है, केला। तो अब देख रहे हैं ये अभी तक यहां पर ये मैंने आपको रूल बताया था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये अदर वर्ड में है। ठीक, तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अब ऑब्जेक्ट का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है। तो अब जब इसका अर्थ यहां ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि केला खाता है, ठीक, केला खाता है यहां भाव नहीं आ रहा है, इज ईटन। जब आपको अभी मैंने आपको यही बताया कि जब वर्ब का सॉरी जब किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक, अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है। वो किसमें होगा, वो पैसिव वॉइस में होता है, और वो क्या होगा, वहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके द्वारा क्रिया संपन्न होगी। कहने का मतलब यहां पर होगा कि किसी के द्वारा वो कार्य किया जाता है। जैसे अब यहां पर केला खाया जाता है, केला खाया जाता है, इसका मतलब किसी के द्वारा खाया जा रहा है ना, तो यहां पर क्या है, अब यहां पर सीधे सीधे प्रभाव ऑब्जेक्ट का पड़ रहा है। जैसे अभी पूछा, जैसे यहां मैंने कहा ना कि कौन खाता है, तो आपने कहा वह खाता है, तो इसका प्रभाव मतलब सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़ा। ठीक, अब दूसरी चीज जब बोला जाए कि केला खाया जाता है, यहां पर पूछा जाए कि कौन खाया जाता है, तो कौन खाया जाता है, केला। अब देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट था यहां पर, ये यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो अब ऑब्जेक्ट का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, तो ये क्या है, तो इसी को बोला जाता है पूरे पूरे सेंटेंस को पैसिव वॉइस। अब समझ में आया, इसी को पूरा पूरा क्या बोला जाता है, पैसिव वॉइस बोला जाता है। ठीक, तो अब जो है ये इतना समझ में आया होगा, यहां पर दुनिया भर की कहानी मैं नहीं लिखवा रहा हूं ना, तो ये आपसे एग्जाम में ही पूछा जाएगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ये केवल और केवल समझने का विषय है। ठीक, कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान देना है, अभी बता रहे हैं पूरी बेसिक चीजें आज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उसके बाद रूल पर आगे बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद पूरा का पूरा रूल पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जानना ये जरूरी है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है क्या, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे लिख दिया गया दे दे हैव, दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, मतलब ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा
क्या करूंगा वहां पर हिंदी भी लिखना और फिर करना ये संभव नहीं हो पाएगा। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा इंग्लिश के ही सेंटेंस लिखूंगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा और पहचानने का सबसे एक तरीका है वर्ब। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो आपको बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, तो ऐसे ही मैंने बताया कि ये वर्ब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यहां पर किसी बच्चे से कहा जाता है, यहां पर किसी बच्चे से कहा जाए कि इसकी पैसी बनाइए, ये क्या है, ये एक्टिव में है, ये क्या है, एक्टिव में है। तो आपसे अगर ये कहा जाए तो बच्चे कर देते हैं। ठीक, पैसे में अगर बनाने के लिए कहा जाए तो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो कहेंगे क्या स्कूल, फिर क्या कर देंगे, हैव बीन गॉन, ठीक, टू बाय देम, ऐसे बना देंगे। ठीक, और ये पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से क्या है, गलत है। गलत क्यों है वो जानना जरूरी है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप उसको अगर अच्छी तरीके से दिमाग में अगर अपने बैठा लिए तो जीवन भर आप कभी इस तरीके की गलती तो ना ही करेंगे, आप इस तरीके की गलती जीवन में कभी नहीं करेंगे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें यह पता करना है, हमें यह पता करना है कि क्या ये जो शब्द है स्कूल, क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यह पता करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और एक ही तरीका है उसका, क्या और किसे, ध्यान समझिएगा, क्या और किसे का प्रश्न लगा लें, अगर उत्तर मिल जाए तब ये आप समझिए, क्या और किसे का प्रश्न लगाने से अगर उत्तर मिल जाए तो ये समझिए कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तब पैसिव बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव किसी कीमत पर बनने वाली नहीं है। ठीक, कैसे, क्या जाता है, क्या जाता है, सोचिए आप, क्या जाता है, उत्तर मिलेगा नहीं। किसे जाता है, किसे जाता है, नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, इसीलिए इसकी पैसिव नहीं बनेगी। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, देखिए, ही ईट्स बनाना, ही ईट्स बनाना, ये लिखा था इन द मार्केट, ही ईट्स बनाना इन द मार्केट, वह बाजार में केला खाता है। तो मैंने बना दिया था यहां पर बनाना इज ईटन, बनाना इज ईटन इन द मार्केट बाय हिम। अभी मैं रूल नहीं बता रहा हूं, अभी आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं, रूल तो अभी बाद में बताएंगे, जो परिवर्तन होना है सब वो आपको सिखाएंगे। ठीक, वहां पर परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, केवल आपको इतना जानना जरूरी है कि आप लोग गलती बहुत सारी कर देते हैं इस तरीके की, जहां पर नहीं बनना होता है वहां पर भी आप ऐसी बना के रेडी कर देते हैं। ठीक, तो वो गलत तरीका है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या और किसे का प्रश्न लगा लीजिए वर्ब में, क्या खाता है, क्या खाता है, केला, उत्तर मिल गया। किसे खाता है, किसे खाता है, केले को खाता है, तो दोनों तरीके से उत्तर मिल रहा है, तो इसी कारण से इसका मतलब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तभी यहां पर पैसिव बनना संभव हो पाया है और ये तरीका सही है।
ये तरीका सही है। तो आपको ये पता हो गया होगा। यस ठीक, अभी एक और चीजें, एक चीज और समझा देते हैं आपको, वहां पर भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जांपल और देकर समझाते हैं, ठीक, एक एग्जांपल और देकर आपको समझाते हैं तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, जैसे अभी यहीं पर लिख दें, जैसे यहीं पर लिख दें सी सी सिंग इन, सी सिंग इन रूम, सी सिंग इन रूम, वह कमरे में गाती है, सॉरी गलत है, सिंग्स होगा, सी सिंग्स इन रूम, वह कमरे में गाती है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसकी पैसिव बनाइए तो क्या बना लेंगे, चेक कर लेंगे आप क्या, या किसे का प्रश्न लगाकर, किसमें, वर्ब में, ठीक, वर्ब में, तो क्या गाती है, कमरा गाती है, कमरे में गाती है ना, लेकिन क्या गाती है कभी आप नहीं बोल पाएंगे, कमरा गाती है। ठीक, तो इसका मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, किसे गाती है तब भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये आ रही है कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। अब बात समझ में आ गई, अभी यही हो जाता सी सिंग्स अ सॉन्ग इन रूम, सी सिंग्स अ सॉन्ग इन रूम, ये बात आ जाती तो आप क्या करते, यहां पर क्या और किसे का प्रश्न लगा लेते, क्या गाती है, क्या गाती है, गाना, उत्तर मिल गया, किसे गाती है, गाने को गाती है। ठीक, तो उत्तर मिल गया, तो यहां पर सीधा सीधा क्या कर देते, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग क्या हो जाता, इज इज संग, अ सॉन्ग इज संग इन रूम बाई हर। अब बात समझ में आई, तो इस तरीके से क्या है आपको ये चीज पता हो गई। ठीक, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर जिस भी बच्चे को यहां पर प्रॉब्लम होगी वो सीधे सीधे क्या करेगा, यहां पर जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो जरूर बताएगा, उसको अगले वीडियो में फिर से कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो बार बार गलती करेंगे। तो जिस भी बच्चे को समझ में आ जाएगा वो कमेंट करेगा कि सर समझ में आ गया है, और जिसके नहीं समझ में आया है वो भी कहेगा, वो भी बताएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमें नहीं समझ में आया है। ठीक, तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, एक वीडियो और बना देंगे, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपके क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे परिवर्तित होते हैं। ठीक, इसको मैंने बताया था, जैसे मान लेते हैं सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में कैसे परिवर्तित, क्योंकि बाई के बाद क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट होता है उस रूप में जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, तो उसका भी परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम भी जान लेते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले है आई, आई का क्या हो जाता है, आई परिवर्तित होगा मी में। ठीक, आई परिवर्तित होगा मी में, वी परिवर्तित होगा किसमें, वी परिवर्तित होगा अस में। ठीक, आई वी हो गया, यू परिवर्तित होगा, यू परिवर्तित होगा किसमें, यू में ही होगा, उसको ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ठीक, और ही परिवर्तित होगा हिम में, सी परिवर्तित होगा किसमें, हर में, सी परिवर्तित होगा हर में। ठीक, और दे परिवर्तित होगा
देम में, दे परिवर्तित होगा देम में, और इट परिवर्तित होगा इट्स में। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आ गई होगी। जैसे अभी मैं बार बार कर रहा था ना, अभी वहां पर बाई हर किया था, बाई हिम किया था, तो वो चीज यहां पर आपको बताई गई है। इसको आप चाहेंगे तो अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से कंप्लीट करके लिख लेंगे, ठीक। तो एक परिवर्तन तो ये हो गया, एक परिवर्तन आपका ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद, अब इसके बाद कहां आते हैं, ये आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तन समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं टेंस परिवर्तन पर। कहां पर आते हैं, टेंस परिवर्तन पर आते हैं। टेंस परिवर्तन में क्या है उसको भी देख लेते हैं। टेंस परिवर्तन में क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक। देखिए यहां पर मैं कोई ज्यादा कहानी नहीं बताने जा रहा हूं, एक एक टेंस करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय खिंच जाएगा, ठीक। मैं आपको एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिसमें आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक। मैं एक एक टेंस का सिंपल सेंटेंस का रूल लिख दूंगा और उसके बाद किस तरीके से, क्योंकि अगर आप वहां पर सब्जेक्ट सॉरी टेंस को अच्छी तरीके से अगर पढ़कर आए हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करूंगा, वहां पर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, ठीक। एक एक टेंस का, एक एक सेंटेंस का मैं एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा। हाँ, रूल मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको रूल बता रहा हूं और उस रूल को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक। जैसे सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये कैसे परिवर्तित होगा उसको देखिए। सबसे पहले यहां आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई सब्जेक्ट, बाई लगा के सब्जेक्ट, यही आएगा, ठीक। देखिए इतना लंबा अगर लिख देंगे तो बार बार टाइम लगेगा, थोड़ा सा हम यहां पर आपको शॉर्ट में भी लिखवा देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लस बाई हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया, इस तरीके से परिवर्तन होगा कहां, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सबसे पहले यहां पर भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर तो रहेगा, इसके साथ बींग भी जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, बींग जुड़ जाता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई होगा, सब्जेक्ट होगा। देखिए बीच में अदर वर्ड जो आएगा उसको तो बीच में अदर वर्ड को रखेंगे ही, जो मूल रूल है वो यही है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, सबसे पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव, बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। अब बात समझ में आई, यहां से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि चाहे जो भी टेंस आएगा, चाहे जो भी टेंस आएगा उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे
प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग रही है, कॉन्टिन्यूअस में बींग और जुड़ जा रहा है, और जो परफेक्ट टेंस है वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग रही है। देखिए हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, और देख रहे हैं कि सभी क्रियाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। यही आपको दिखाता है कि फला सब्जेक्ट वो क्या, सॉरी सेंटेंस क्या है, वो पैसिव वॉइस में है। वो क्या दिखाता है कि वो पैसिव वॉइस में है, ठीक। अब आगे यहां पर है प्रेजेंट, यहां लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, नो चेंज, क्या होगा नो चेंज, मतलब इसकी पैसिव नहीं बनती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक। अब बात समझ में आई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद सीधे सीधे बात आ जाती है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहां पर वाज वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई हो जाएगा और सब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात, ठीक, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहां पर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वर होगा, बींग इसमें भी जुड़ जाएगा, मतलब आईएनजी वाला जहां है वहां बींग जोड़ देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाई होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक, ये परिवर्तन इस तरीके से होगा। अब अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो देखिए जो वहां पर आपको मैं बता रहा था कि एक सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस मतलब दो वहां पर बनते थे, दो उपवाक्य होते थे ना, आफ्टर या बिफोर से जुड़ते थे, तो जिस पार्ट में आपका क्या होगा पास्ट परफेक्ट वाला रहेगा उसी की पैसिव हम बनाकर और बाकी को छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर जहां पर पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस जाएगा, जहां जिस पार्ट में हेड रहेगा उसी का हम क्या करते हैं पैसिव बनाते हैं, बाकी दूसरे पार्ट को छोड़ देते हैं। तो यहां पर वो पूरा लिखना जरूरी नहीं है, तो यहां पर केवल और केवल क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा, ये होगा नो चेंज, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, फ्यूचर की बात कर लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर विल या सेल हो जाएगा, विल या सेल, उसके बाद फिर क्या होगा, बी भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल भी सेल भी, तो बी भी जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके बाद क्या है,
फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। किसकी बात हो रही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो देख लेते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी क्या होगा, नो चेंज होगा। ठीक, यहां पर ये नो चेंज है, ठीक, और यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज है। ठीक, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे होगा उसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या थी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, क्या था, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा विल या शैल, और उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हैव बीन, फिर क्या हो जाएगा, क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात समझ में आई, ये क्या हो गया है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नो चेंज। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि चार टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार टेंस हैं कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। कहने का मतलब यह है कि इनकी पैसिव नहीं बनेगी, इनकी पैसिव हम जबरदस्ती नहीं बनाएंगे। तो तीन तीन छः, तीन 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 छः और दो आठ, कुल मिलाकर आठ टेंस की पैसिव यहां पर बननी है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज केवल आपको इतना ही समझना है, इसको आप कॉपी में अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, चाहे वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं हम वहां पर एक एक को समझाकर उसको अच्छे से पढ़कर कंप्लीट करेंगे। ठीक, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक, तब तक क्या करेंगे, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यही आपका मूल बेस थे जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको समझना था। अभी आपके जो और मूल क्या है, जो मुख्य मेन रूल है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक, एक एक पॉइंट करके वहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेंस से जितने भी प्रकार के सेंटेंस बनते हैं उसकी चर्चा कर लेंगे, फिर मुख्य रूल पढ़ लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका दो चार दिन में पैसिव वाइज भी समाप्त हो जाएगा। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम चर्चा करेंगे, मतलब नरेशन की चर्चा हम पैसिव वाइज के बाद करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में चलेंगे। फिर वहां पर टाइम लगेगा कम से कम एक डेढ़ महीने का, तो उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उससे पहले ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, आप इसको कंप्लीट करेंगे,